सन की ट्रिपल फोर कहते हैं ये बंदा फ्री फायर का अब तक का AWM किंग है। ये बंदा AWM से सिर्फ हेडशॉट ही मारता है बिना किसी बुलेट मिस किए हुए। बैकग्राउंड में इसका गेम प्ले देख सकते हो, ये कैसे इजीली बंदे को AWM से हेडशॉट पे हेडशॉट दे रहा है। वेल, ये बंदा एक हैकर है, ये हैक लगा के ऐसे हेडशॉट मार रहा है। सो आज हम लोग इसी तरह AWM से हेडशॉट मारना सीखेंगे बट विदाउट हैक, बिना किसी हैक के, प्रैक्टिस करके कुछ अपने स्टाइल में। ओके, सो जब भी तुम लोग AWM चलाते हो, जब तक तुम लोग एम को एनिमी के हेड पे ले जाते हो तब तक सामने वाला बंदा तुम्हें वन टैप देकर खत्म कर देता है। वहीं पर जब सामने वाला बंदा AWM चलाता है और तुम दौड़ते रहते हो फिर भी तुम्हें हेडशॉट दे देता है। सो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ AWM से हेडशॉट मारते कैसे हैं। इस वीडियो में AWM का कुछ ऐसा नॉलेज दिया हूँ, अगर तुम वो समझ गए ना तो बॉस तुम्हें किसी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसे सेटिंग बताया है जिससे तुम AWM का एक्यूरेसी 50% और इंक्रीज कर सकते हो। मतलब अगर तुम एनिमी के ऊपर AWM से फायर करते हो और तुम्हारा बुलेट एनिमी के बिना लगे आसपास से गुजर जाता है तो तुम्हें डैमेज मिल जाता है। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ AWM से हेडशॉट मारना सिखाऊंगा। अगर तुम्हें AWM को फास्ट चलाना चाहते हो और जब भी तुम AWM चलाते हो तो तुम्हारा एम ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और तुम चाहते हो एम गायब ना हो तो इस सब पे अगर वीडियो चाहते हो तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कमेंट कर देना है। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 20K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो कंप्लीट कर देना प्लीज। ओके, सबसे पहले तुम्हें गेम के अंदर आ जाना है, वहाँ पे सेटिंग में जाके होल्ड ऑन फायर को ऑन कर देना और दूसरा लेफ्ट फायर बटन को ऑल कर देना। उसके बाद तुम्हें कस्टमाइजेशन में चले जाना है, उसके बाद तुम्हें फायर बटन को लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है, लेफ्ट की ओर रखना है, आगे मैं बताऊंगा क्यों। ओके, अब तुम्हें आ जाना है ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पे तुम्हें एक AWM ले लेनी है और फिर तुम्हें देखो यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हें समझना है यहाँ पे, ठीक है। देखो AWM जो पहले चलती थी वो बहुत ही फास्ट चलती थी, अब बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है, ठीक है। देखो जब भी तुम गन स्विच करते हो AWM को वहां पे भी स्पीड स्लो देखने को मिलेगी तुम्हें, रिलोड करते हो वहां पे भी स्लो देखने को मिलेगी, और जब भी तुम कभी फायर करते हो तो तुम्हारा जो AWM का बुलेट है वो भी कुछ सेकेंड बाद निकलती है गन से गोली, ठीक है। तुम्हें ये चीज पता नहीं होगी लेकिन ऐसा होता है। देखो जब भी तुम कभी AWM से फायर करते हो ना तो कुछ मिली सेकेंड लेता है बुलेट निकलने में, ठीक है, तो तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है। देखो जब भी तुम कभी हेड पे जाके एम ले जाके मारते हो किसी को तो जब तक तुम्हारा बुलेट निकलता है AWM से तब तक बंदा लेफ्ट राइट मूव कर देता है और तुम्हारा बुलेट नहीं लगता है हेड पे, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, कभी भी तुम बंदे के हेड के ऊपर एम रख के नहीं फायर करनी है, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी तुम कभी फायर करते हो तो तुम्हारा जो बुलेट है वो काफी स्लो निकलता है AWM से, कुछ मिली सेकेंड बाद निकलता है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, टिप नंबर 1 कि तुम्हें नूब वॉक करनी है। नूब वॉक जिसने नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो तुम्हें जॉयस्टिक को यूज करना है, ठीक है। जॉयस्टिक को पकड़ के इधर उधर करना है, तुम्हें एम सेट करना है। एम सेट नहीं करना आता है तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हें जॉयस्टिक को पकड़ के इधर उधर करना है, एम को सेट करना है। एम को कहाँ पे सेट करना है, देखो हेड के ऊपर सेट नहीं करना है तुम्हें एम, यह चीज ध्यान में रखना। हेड पे कभी भी एम को सेट मत करो, ठीक है। हेड के राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं भी रख लो, ठीक है, आजू बाजू कहीं भी रखो। मैं तो ज्यादातर नीचे ही रखता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड नीचे रखता हूँ, तो तुम भी लेफ्ट साइड नीचे ही रखना हेड के थोड़ा सा पास में। ओके, सो अब तुम्हें लेफ्ट फायर बटन यूज करना है, वो भी मूव करते हुए ही यूज करने है, ओके। और तुम्हें राइट से कभी भी फायर नहीं करनी है, वो चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी तुम राइट साइड से फायर करते हो तो तुम्हारा गोली एग्जैक्ट वहीं लगता है जहां तुम एम करके रखते हो, ठीक है, तुम्हें मूव करने के लिए नहीं मिलता है फिंगर, ओके। सो अगर तुम लेफ्ट फायर बटन अगर यूज करते हो तो तुम्हारा जो राइट थंब है वो तुम्हारा फ्री रहता है एम सेट करने के लिए, ओके। लेफ्ट फायर बटन पे क्लिक करना है और तुम्हारा जो एम है वो हेड के बगल में ही रखना और राइट साइड से उधर स्वाइप करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा जो एम है वो हेड के ऊपर नहीं जाएगा फिर भी तुम्हारा हेडशॉट लगेगा, ठीक है, ये एक गरीना का ग्लिच है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं जब भी कभी ड्रैग करता हूँ उस टाइप में नहीं लगता फिर भी मेरा हेडशॉट आ जाता है, तो तुम्हारा भी लगेगा। तुम बस इस बात को समझना है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, और एम को तुम्हें
तुम्हें सेट करना आ जाएगा ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम AWM ने ऐसी नॉर्मल पीसी की तरह चलाओगे, ठीक है, पीसी की तरह हेडशॉट पे हेडशॉट मारोगे, लेकिन तुम लोग बोलोगे जो हमारा एम गायब हो जाता है, ठीक है। तो एम को गायब करने के लिए मैं पार्ट टू में अगर चाहते हो तो मैं बना दूंगा, वो एम गायब नहीं होता है, एग्जैक्टली एम ही रहता है। ओके, सो तब तुम एक काम करो, कस्टमाइजेशन में चले जाओ और जो तुम्हारा पेट का जो पेट इमोट है उसको तुम बीच सेंटर में ला के थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो और हाईलाइट कर दो, ठीक है, इसे तुम्हारा क्लियर दिखेगा एम कहाँ पे है। ओके, तुम ये कर सकते हो। सो अब बात करते हैं तुम अपने AWM का 50% एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो। सो इसके लिए तुम्हें लॉरा कैरेक्टर यूज करना है। बहुत सारे बंदे इस कैरेक्टर इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर तुम स्नाइपर यूज करते हो तो पर्सनली ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब भी तुम लेफ्ट राइट अगर मारते हो बंदे को तो तुम्हारा गोली ऑटोमेटिकली काउंट कर देता है डैमेज नहीं लगने के बाद भी। सो इस कैरेक्टर को तुम्हें यूज करना ही है, और इसके लिए तुम सेंसिटिविटी में जाके AWM का जो है सेंसिटिविटी उसको तुम्हें 60 से 65 के अंदर में रख लेना है, ठीक है। ज्यादा मत बढ़ाना और ना ही कम करना उससे, क्योंकि ज्यादा बढ़ा लोगे तो तुम्हारा एम जो है वो सेट नहीं कर पाओगे, ज्यादा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए 60 से 65 के बीच में ही रखना। ओके, अब बाद बाकी वीडियो को प्यार देना, और तुम लोग कुछ अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम लोग जो बोलते हो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, बोल रहे थे AWM भी बनाओ इसलिए बना दिया। सो तुम लोग एक छोटा सा काम कर दो मेरे लिए, एक छोटा सा हेल्प कर दो, क्योंकि जो हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है। सो प्लीज एक काम करना, बस इस वीडियो को ना अपने जाके स्टोरी में लगा देना, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप कहीं भी लगा दो, ठीक है, बस एक स्टोरी लगा देना प्लीज, बस इतना सा कर दो मेरे लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।